हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके प्यारे भाइयों के लिए दो सुंदर सुंदर राखी बनाना बताऊंगी। एक बनाऊंगी कूलिंग पेपर से और दूसरी बनाऊंगी कुंदन से। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको कुंदन से राखी किस तरीके से बनानी है। कुंदन से राखी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चौकोर पीस में कटी हुई एक छोटी पॉलीथीन ले ली है। बीच में इसमें राउंड राउंड करके इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा देंगे और बिल्कुल सेंटर में हम एक ब्लू कलर का कुंदन रख रहे हैं। आपके पास जो भी कुंदन हो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके चारों साइड में वॉल चैन लगा देंगे। वॉल चैन के हम दो राउंड लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं येलो कलर के छोटे वाले स्टोन। वॉल चैन के चारों साइड में इनको लगा देंगे, मतलब इनका एक सर्कल बना लेना है। येलो स्टोन का सर्कल पूरा होने के बाद में फिर से हम यहाँ पे वॉल चैन लगा रहे हैं। इस बार हम वॉल चैन का एक राउंड लगाएंगे। वॉल चैन का एक राउंड बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे स्टोन लगा रहे हैं। इस बार हम रेड कलर के स्टोन लगा रहे हैं जो येलो कलर के स्टोन से थोड़े से बड़े हैं। बस इनको भी हम वॉल चैन के चारों साइड में एक राउंड बना लेंगे। स्टोन लगाने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए सुखा लिया था। ये अच्छे से सूख गया है तो एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट कर देंगे। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अभी मैं इस पर कलावा लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इसको पलट दिया है और इसी शेप में मैंने व्हाइट कलर की स्पार्कल शीट को कट कर लिया है। फिर फैब्रिक ग्लू लगा के पहले हम इस पर चिपका देंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे उसी तरह से आपको इसको फैब्रिक ग्लू लगा के चिपका देना है। बस इस पर हम फैब्रिक ग्लू लगा के कलावे को चिपका देंगे। और एक और मैंने इसी साइज में स्पार्कल शीट को कट किया है, उस पर भी फैब्रिक ग्लू लगा के इसको चिपका देंगे ताकि जो हमारा कलावा है वो पीछे की साइड से दिखे नहीं। तो देखिए एक और मैंने राउंड शेप में कटी हुई स्पार्कल शीट ले ली है और इसको इस तरह से चिपका दिया। ये हमारी राखी बनके तैयार हो गई। आप चाहें तो साइडों में इसके मोती लगा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी कुंदन की राखी बनके तैयार हो गई है। अभी मैं आपको बताती हूँ कूलिंग पेपर की राखी बनाना। कूलिंग पेपर की राखी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड और येलो कलर के 5 mm कूलिंग पेपर ले लिए हैं। अभी हम इनकी कलियाँ बनाएंगे। तो देखिए कलियाँ कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का कूलिंग पेपर ले लिया है। टूल्स में इस तरह से फंसा के इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। बस लास्ट में इसको ऐसे निकाल के और हाथों के बीच में इस तरह से उंगलियों के बीच में रख के हल्का सा इसको लूज छोड़ देंगे और एक साइड से इसे दबा देंगे। तो ये हमारी कली बन गई है। बस इस पर फैब्रिक ग्लू लगा के चिपका देंगे। इसी तरह से हम और भी कलियां बना के तैयार करेंगे। अभी हम बनाएंगे येलो कलर की कलियां। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कूलिंग पेपर ले लिया है और इसको इस तरह से बराबर करके बीच से कट कर देंगे। ये जो हम कलियाँ बनाने वाली हैं येलो कलर की, ये हम हाफ में से बनाएंगे और इस तरह से टूल्स में लगा के इसको राउंड राउंड घुमाएंगे।
तो देखिए मैंने इसको पूरा कर लिया। बस इसी तरह से इसको उंगलियों के बीच में रख के हल्का सा लूज छोड़ेंगे और एक साइड से इस तरह से दबा देंगे। बस लास्ट में इसमें फैब्रिक ग्लू लगा के चिपका देंगे। इसी तरह से बाकी कलियां भी बना के तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर रेड और येलो कलर की कलियां बना ली हैं। अभी हम फ्लावर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 mm लाइट ग्रीन कलर का कूलिंग पेपर ले लिया है। बराबर करके इसको बीच से कट कर दिया है और इस तरह से इसमें हाफ में कट लगाती जाएंगी। पूरे कूलिंग पेपर में मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। फिर से हम टूल्स लेंगे और इस तरह से इसको फंसा के राउंड राउंड घुमा लेंगे। बस इसको भी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे और एक मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये सूख गया है। उंगलियों की हेल्प से इसको इस तरह से फूल की शेप देंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे बिल्कुल उसी तरह से। राखी बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें बना ली हैं, तो फटाफट से हम आपको राखी बनाना बताते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको एक रेड कली उठानी है और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से बाकी कलियों को इस तरह से इस पर चिपकाते जाना है। इसको आपको राउंड शेप देनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे बिल्कुल उसी तरह से सारी कलियों को चिपका लेंगी। तो देखिए फ्रेंड मैंने सारी कलियों को चिपका लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर राउंड शेप में फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। उस पर हम येलो कलियों को लगाने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर राउंड शेप में फैब्रिक ग्लू लगा लिया है और येलो कलियों को भी इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए मैंने सारी येलो कलियों को लगा लिया है। लास्ट में हम इसमें फूल लगाएंगे, तो फूल पे हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के और इसको बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। बस फैब्रिक ग्लू की हेल्प से येलो कलियों पे स्टोन लगा देंगे। एक रेड कलर का स्टोन फ्लावर के बीच में लगा देंगे। 2 मिनट के लिए इसको सुखा लेंगे। तो देखिए ये सूख गया है। अभी मैं इसमें कलावा लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक कलावा ले लिया है और किसी के साइज़ में मैंने पेपर को कट कर लिया है। पेपर पे फैब्रिक ग्लू लगा के कलावा लगा देंगे। थोड़ा सा ग्लू और लगाएंगे और इस फ्लावर को लगा देंगे। चाहें तो आप इस राखी को ऐसे ही रहने दें, और अगर आप इसको और भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो कलावे के ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और यहाँ हम इसमें रेड, 2 रेड और 1 येलो कलर की कली लगा देंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे बिल्कुल उसी तरह से आपको इस पर रेड और येलो कलर की कलियाँ लगा देनी है। बस इन पे भी हम स्टोन लगा देंगे ताकि हमारी जो राखी है वो और भी खूबसूरत लगे। तो ये लीजिए हमारी कूलिंग पेपर की राखी भी बनके तैयार है। इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी राखी पसंद आई और आप कौन सी राखी बनाने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।